हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और बेसन से बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा और खाने में उतना ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए एक पैन मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। ऐड करेंगे 1 चम्मच गाय का घी। जैसे घी हमारा पिघल जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी यानी सेमोलिना। यहाँ पे मैंने नॉर्मल दाने की सूजी लिया हुआ है, आप भी नॉर्मल दाने की सूजी लीजिए और उसको ऐड करिए। और उसके बाद फिर हम इसे मिक्स करते हुए 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो जले नहीं। तो जैसे ही हम 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे तो हल्की सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगेगी और हमें सूजी का कलर नहीं चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसन। मैं यहाँ पे 1 कप बेसन ले रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे जितना सूजी लिया हुआ है उसी का बराबर हिस्सा बेसन भी लेंगे। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मेजरमेंट में। ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हम बेसन को भी रोस्ट करेंगे सूजी के साथ में, ताकि जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो जैसे ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी बेसन और सूजी की, फिर आप समझ जाइए कि हमने बेसन और सूजी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है 11 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ और थोड़ी देर हम मिक्स करते रहेंगे क्योंकि अभी पैन हमारा गर्म है। उसके बाद फिर हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो ऐड करेंगे चीनी का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच ऐड कर दिया है, 1 चम्मच हम और ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे खरबूजे या फिर तरबूज का बीज लेंगे, इसको ऐड करेंगे। इससे लड्डू हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। और अब यहाँ मैंने लिया हुआ कंडेंस मिल्क, तो मैंने इस एयर कंटेनर में रखा हुआ था कंडेंस मिल्क को, थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पहले मैं इस जो है कंडेंस मिल्क को 2 चम्मच ऐड कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर ज़रूरत होगी तो फिर ऐड करेंगे। इस तरीके से हम करते हुए जब तक कि हमारे जो है लड्डू बंधने न लगे तब तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया हुआ था मैंने पूरा इस्तेमाल कर दिया है धीरे धीरे करके। तो आप भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छे से मिक्स करते जाइए और मुट्ठी से जो है बांधते जाइए कि हाँ लड्डू हमारा बंध रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर ऐड करेंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद भी हाथ से अच्छे से बांध करके चेक कर रही हूँ मैं कि हाँ लड्डू बंध रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लड्डू हमारा एकदम परफेक्ट बंध रहा है, तो मैं इसको बांध लेती हूँ। इसी तरीके से हम अपने हाथ से उंगलियों से प्रेस करते हुए लड्डू को अच्छे से बांधेंगे, अच्छे से हम प्रेस करेंगे ताकि लड्डू हमारा खुले नहीं। वरना काफ़ी बार ऐसा होता है कि लड्डू को हम बांध करके और रख देते हैं और उसके बाद फिर लड्डू हमारा जो है क्रैश हो जाता है, मतलब कि खुल जाता है पूरा। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए हम लड्डू को बांधेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने लड्डू को अच्छे से प्रेस करते हुए बांध रही हूँ। एक लड्डू को रेडी करने में मुझे 1 मिनट का समय लगा है, बाद में थोड़ा सा इसको घुमा करके झाड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लगा हो वो निकल जाए। एक लड्डू हमारा हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेट में बाहर रख देते हैं और इसी प्रोसेस से बाकी लड्डू जो है बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ा आती है बनाने में लड्डू, जब हम इस तरीके से लड्डू को बांधते हैं तो बहुत ही मज़ा आती है। तो आप भी इस तरीके से एक बार लड्डू बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसी प्रोसेस से हम अच्छे से लड्डू को प्रेस करते हुए बांध लेंगे। आप बड़ा छोटा जितना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम लड्डू बनाया हुआ है, ना बहुत छोटा बनाया और ना ही बहुत बड़ा। तो आप भी इस तरीके से बना करके रेडी कर लीजिएगा। सारा लड्डू जो है वो हमारा बन करके हो गया है तैयार, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना लड्डू। गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।